हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास टेंथ एमपी बोर्ड साइंस का न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लास टेंथ साइंस में से एमपी बोर्ड में से 2022-23 में क्या क्या हटाया गया है और कैसा ब्लूप्रिंट आया है और कैसा एग्जाम पैटर्न आया है, कितने कितने नंबर का आया है हर चैप्टर में से और क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से लिख रखे हैं और मार्क्स मार्किंग है। तो एक एक करके फटाफट समझते जाइए, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, मैं आपको टॉपिक बताता जाऊं वो आप डिलीट करते जाइए और चैप्टर के ऊपर, ऐसे चैप्टर है इसके ऊपर मार्किंग करते जाइए कि कितने नंबर का आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें से कितने नंबर का आने वाला है बच्चों? 7 नंबर का आने वाला है। दो तो ओटी आएंगी एक एक नंबर की और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। इसमें से हटाया क्या गया है? तो इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है, नो डिलीशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो 6 नंबर का आएगा, इसमें से 2 ओटी आएंगी और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से 5 नंबर का आएगा, तीन ओटी आएंगी मतलब 1-1 नंबर की और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है, आप देखते जाइए एक एक करके। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो 6 नंबर का आएगा, इसमें से ओटी बिल्कुल भी नहीं आएंगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। तो इसमें से भी कुछ नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 5, ये फुल चैप्टर डिलीट किया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है, चैप्टर नंबर 5 आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, 8 नंबर का आएगा बच्चों, इसमें से एक एक नंबर की 2 ओटी आएंगी, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का आया गया है। तो इसमें से भी कुछ नहीं हटाया गया है चैप्टर, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 6 नंबर का आएगा, इसमें से एक एक नंबर की 3 ओटी आएंगी और एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया गया है, उसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें से 6 नंबर का आएगा टोटल, एक एक नंबर की 4 ओटी आएंगी और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मार्किंग करते जाना अच्छे अच्छे आ रहा हूं आराम से, ठीक है ना, वीडियो पॉज करते जाना। तो चैप्टर नंबर आठ हाउ टू ऑर्गेनिज तो 6 नंबर का आएगा और 4 ओटी आएंगी और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें से भी कुछ डिलीट उन्होंने नहीं किया है, मतलब 1 से लेकर 8 तक सिर्फ चैप्टर नंबर 5 हटाया गया है। ये सभी चैप्टर आपको पूरे कंप्लीट रीड करने हैं, पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर इसके याद करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप बस चैनल बने लीजिए, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे पूरे के पूरे एग्जाम में फंसेंगे विथ ओटी। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, बस चैनल पर बने रहिए। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से पिछले साल की तरह इवोल्यूशन टॉपिक हटाया गया है और इसमें से 4 नंबर का आएगा, 2 ओटी आएंगी, एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। डिलीटेड टॉपिक कौन से, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आर्टिकल नंबर 9.3 इवोल्यूशन पेज नंबर 147, 9.4 स्पेसिएशन पेज नंबर लिखा हुआ 150, ये पेज नंबर लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, 9.5 इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन पेज नंबर 151, 9.6 इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्विटेड विथ प्रोग्रेस पेज नंबर 156, ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 10 अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो 8 नंबर का आएगा, इसमें से 4 तो ओटी आएंगी, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए गएंगे, इसमें से हटाया कुछ नहीं गया है। चैप्टर नंबर 11 5 नंबर का आएगा, इसमें से 2 ओटी आएंगी और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको टॉपिक हटाया दिया गया है पेज नंबर 196 पर। क्या है, कलर ऑफ सन एट सनराइजेस एंड सनसेट, ये इस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 5 नंबर का आएगा, 3 ओटी आएंगी और एक 2 नंबर का
क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 12 की कहानी हुई। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 पर और 14-15 पर, ठीक है, उसको भी देख लीजिए अच्छे से। चलो मैं मिटाई देता हूं पूरा। चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 में 6 नंबर का आएगा, दो तो ओटी आएंगी और दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 14 फुल डिलीटेड है, ठीक है, ये आपको चैप्टर नहीं करना है। चैप्टर नंबर 14 हटाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पूरा कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 है अवर एनवायरमेंट, अवर एनवायरमेंट इसमें से 3 नंबर का आएगा, एक कोटी आएगी, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है बच्चों। चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये आपको हटा दिया गया है, ये फुल डिलीटेड चैप्टर है, ये कंप्लीट आपको डिलीट कर दिया गया है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो ध्यान से समझना, आपका 100 का है टोटल, जिसमें से 75 का थ्योरी आएगी और 25 का प्रैक्टिकल है बच्चों, ठीक है, मतलब आपका बोर्ड एग्जाम 75 नंबर का होगा इस साल, पहले 80 का होता था, अब 75 का होगा। इसमें से आपके, मैं आपको बताता हूं, 18 क्वेश्चन आएंगे प्लस 4 क्वेश्चन ओटी वाले आएंगे, ठीक है, यानी टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे आपके, 18 क्वेश्चन प्लस 4 क्वेश्चन, टोटल 22। ये 4 किसके हैं, ऑब्जेक्टिव के, ओटी के। कितनी ओटी आएंगी बच्चों टोटल, 30 ओटी आएंगी। कितनी आएंगी बच्चों, 30 ओटी आएंगी। कैसे कैसे आएंगी ओटी, मैं आपको बता देता हूं 30 ओटी के बारे में। इसमें से आपके 8 तो एमसीक्यू आएंगे टिक मार्क वाले, 8 मैचिंग आएंगी, 7 फिलिंदा ब्लैंक्स आएंगे और 7 वन वर्ड आएंगे, ठीक है, तो टोटल हो गए 17 और 15 30 ओटी आएंगी, मतलब 4 क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक के अंदर 8 दी गई होंगी, एक के अंदर 8 दी गई होंगी, एक के अंदर 7 दी गई होंगी, एक के अंदर 7 वन वर्ड दी गई होंगी, तो टोटल 30 नंबर की 18 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 मार्क्स के कुछ 3 मार्क्स के आपके सामने क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है कि नहीं बच्चों। तो यह आपका एग्जाम पैटर्न है। तो टोटल 100 का हो गया, 75 25 25 का प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिसमें आपके 15 प्लस 5 प्लस 5 किया गया है, ये आपका प्रैक्टिकल बनाने के लिए। ये क्वार्टरली हाफली एग्जाम के नंबर आपके ऐड किए जाएंगे 5-5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका साइंस का एग्जाम पैटर्न है क्लास 10th एमपी बोर्ड का, ठीक है। तो ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी चैप्टर के बारे में, बाकी सब्जेक्ट के बारे में, क्लास 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट के मैं ब्लूप्रिंट और रिड्यूसिबल्स बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पर बने रहिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के साथ, ठीक है ना।